हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का टॉपिक है हमारा, कुछ एमसीक्यूज हम लेके आए हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, जो कि जनरल एमसीक्यूज हैं फॉर जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, द हेड ऑफिस ऑफ एनसीडीसी इज एट। एनसीडीसी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसका जो हेड ऑफिस है ये कहाँ पे है हमारा, ये दिल्ली में है। ठीक है, इंडिया में, दिल्ली में। द हेड ऑफिस ऑफ एनसीडीसी इज एट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दिल्ली। सेकेंड क्वेश्चन है, रिबेट इज रिलेटेड टू डैश टाइप ऑफ सोसाइटीज। तो रिबेट पहले क्या होता है, रिबेट क्या होता है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से जो सेल्स वगैरह होती हैं थ्रू आउट द ईयर, उस पर कुछ स्कीम्स वगैरह, फंड्स, फ्री सप्लाई ऑफ मटेरियल, ये सब प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सब्सिडीज वगैरह। तो ये कौन सी सोसाइटीज में दिया जाता है, ये हमारी जो ऑप्शन सी है राइट आंसर है, हैंडलूम सोसाइटीज। हैंडलूम सोसाइटीज जो होती हैं इनमें रिबेट प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, द कस्टोडियन ऑफ मिनट्स बुक इफ अ सोसाइटी इज। अब मिनट्स बुक क्या होती है, मिनट्स बुक वो बुक होती है जहां पे जब भी कोई मीटिंग होती है कोऑपरेटिव्स की, ठीक है, तो जो भी उस मीटिंग में बोला जाता है या डिसाइड किया जाता है फाइनल, वो सब का रिटन रिकॉर्ड जो होता है वो हमारी मिनट्स बुक में होता है। ठीक है, तो मिनट्स बुक का जो कस्टोडियन होता है ये किसके पास रहती है, वो रहती है ऑप्शन बी, सेक्रेटरी के पास। ठीक है, द कस्टोडियन ऑफ मिनट्स बुक ऑफ अ सोसाइटी इज सेक्रेटरी। फोर्थ क्वेश्चन, प्रोडक्शन बोनस इज गिवन बाय डैश सोसाइटीज। कौन सी सोसाइटीज जो हैं प्रोडक्शन बोनस देती हैं। प्रोडक्शन बोनस मतलब जब भी कुछ कुछ भी प्रोड्यूस करती है, मतलब कोई भी, अगर कोई भी सोसाइटी ने कोई काम खोला है तो उसमें वो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उस चीज़ का जितना उन्होंने प्रोडक्शन किया उस पे जो उनको फर्दर प्रॉफिट्स होते हैं उस चीज़ पे बोनस दिया जाता है। तो वो बोनस जो है ये कौन सी सोसाइटीज प्रोवाइड करती हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डेयरी सोसाइटीज। जो डेयरी सोसाइटीज होती हैं ये प्रोडक्शन बोनस देती हैं। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि हमारी जो डेयरी सोसाइटीज हैं, डेयरी कॉरपोरेशन है, इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ था, तो वो हुआ था हमारा कहां से, जीडिंग, डेनमार्क से। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, द बाइंडिंग अप ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी मींस। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो जब बाइंड अप होती है, मतलब जब कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई, ठीक है, तो उसकी जो बाइंडिंग अप होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लिक्विडेशन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जब खत्म हो जाती है, ये कुछ होता है, तो उसको हम लिक्विडेशन बोलते हैं। ठीक है, बाइंडिंग अप को। सिक्स्थ क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ सोसाइटी इज इट्स। जो सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं, बायलॉ। ठीक है, इसकी स्पेलिंग है BYELAW। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है, बायलॉ जो होता है ये क्या होते हैं, ये वो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनके मुताबिक जो है सोसाइटी वर्क करती है। ठीक है, दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। ओके, जो कि सोसाइटी के मेंबर्स वगैरह को बाइंड अप रखती हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एक्टिविटीज पे, उन सब पे जो नजर होती है वो हमारे बायलॉज में दी गई होती है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये सोसाइटी का, इसको बायलॉज बोलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, डैश हैज द राइट टू साइन इन द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। किस पे ये, किसके पास ये राइट होता है कि वो जो आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं मेंबर्स के सोसाइटी में, उन पे साइन इन करे, तो ये किसके पास राइट होता है, ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, सेक्रेटरी के पास। ठीक है, जो सेक्रेटरी होता है सोसाइटी, हैज द राइट टू साइन इन द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। ठीक है, एट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद एरिया ऑफ ऑपरेशन मोर देन टू स्टेट्स इज रजिस्टर्ड बाय। जैसे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जगह काम कर रही है, लेकिन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का एरिया ऑफ ऑपरेशन मोर देन टू स्टेट्स है, ठीक है, दो स्टेट से ज्यादा है, उसको जो है वहां वो कौन रजिस्टर करता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार। ठीक है, जो ऑप्शन सी है, जो हमारे सेंट्रल रजिस्ट्रार होते हैं, जो आपकी ये पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, इससे आप सब रजिस्ट्रार और फिर रजिस्ट्रार बनोगे। ठीक है, तो जो सेंट्रल रजिस्ट्रार्स होते हैं वो ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एरिया ऑफ ऑपरेशन जो होते हैं उसको रजिस्टर करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, एडमिशन ऑफ मेंबर्स एंड एलोकेशन ऑफ शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ड्यू टू। जो भी एडमिशन ऑफ मेंबर्स होती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, नए मेंबर्स आते हैं और जो भी उनके अंदर जो है शेयर्स बांटे जाते हैं, तो इस सब की जो ड्यूटी होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो किसकी होती है, वो होती है हमारी ऑप्शन डी, मैनेजिंग कमेटी की। जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मैनेजिंग कमेटी होती है वही मेंबर्स की एडमिशन और जो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर नजर रखती है। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर द मेंबरशिप इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज।
कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर किसी को मेंबरशिप चाहिए तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसके पास पोजेस करना चाहिए। वो कौन सा होता है हमारा? ऑप्शन डी, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड जो होता है ये एक तरह का प्रूफ होता है कि ही इज द मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। 11th क्वेश्चन, कोऑपरेटिव मूवमेंट ओरिजिनेटेड फर्स्ट इन, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कोऑपरेटिव मूवमेंट जो है वो पहली बार कहाँ ओरिजिनेट की गई थी, वो थी हमारी इंग्लैंड में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड, ऑप्शन बी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो इंग्लैंड में नहीं हुई थी। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि फेनविक वीवर सोसाइटी जो थी वो पहली सोसाइटी बनी थी, और दूसरी जो मॉडर्न कोऑपरेटिव सोसाइटी थी पहली वो कौन सी थी, मैंने आपको बताया था रॉशटेल सोसाइटी, जिनको पायनियर्स भी बोला जाता है। और इन्होंने ही क्या स्टार्ट किया था, इन्होंने कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, और इसकी वजह से जो कोऑपरेटिव मूवमेंट जो ओरिजिनेट हुई थी वो कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन बी। 12th क्वेश्चन, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है ठीक है वो कब पास की गई थी इंडिया में? ठीक है, तो ये इंडिया में कब पास की गई थी? 1912 में। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1912। 13th क्वेश्चन, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल वॉज रिकमेंडेड बाय डैश कमिटी, तो ये एक प्रिंसिपल है। ठीक है, ये प्रिंसिपल किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने रिकमेंड किया था? तो ये किया था हमारा ऑप्शन बी, मैकलेगन कमेटी। ठीक है, मैकलेगन कमेटी जो थी ये 1914 में एस्टैब्लिश की गई थी, ये एक तरह की कमेटी बिठाई गई थी कॉपरेशन के लिए। ठीक है, और ये पहली कमेटी थी जो कॉपरेशन के लिए बिठाई गई थी। ठीक है, फर्स्ट, इट वॉज द फर्स्ट कमेटी ऑन कॉपरेशन मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट जो थी वो एक साल के अंदर सबमिट कर दी गई थी 1915 में। ठीक है, 14th क्वेश्चन, एपेक्स सोसाइटी मीन्स डैश लेवल सोसाइटी, तो हमारी ये जो एपेक्स सोसाइटीज होती हैं ये कौन सी लेवल की सोसाइटी होती हैं? तो इनका मतलब होता है कि स्टेट लेवल सोसाइटी। ओके, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, एपेक्स सोसाइटी मीन्स स्टेट लेवल सोसाइटी। और ये जो एपेक्स सोसाइटी का जो निकाला गया था ये सब किसने निकाला था? मैकलेगन कमेटी जो बैठी थी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था ये इंडिया में। ठीक है, 15th क्वेश्चन, द मेंबर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव डैश लायबिलिटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर कौन सी कितनी लायबिलिटी होती है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर जो होते हैं इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे होती है? जब भी सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं तो उसके पास सोसाइटी एज अ इंडिपेंडेंट काम करती है, वो ये जो होते हैं ये मेंबर्स जो होते हैं ये सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो शेयर लगाया वो तो इनका हुआ, लेकिन जो आगे फर्दर सोसाइटी पे लाइबिलिटीज आएंगी वो इनकी लाइबिलिटीज नहीं होंगी, वो सोसाइटी की लाइबिलिटीज होंगी। ठीक है, तो इसलिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है, 16th क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो प्रेसिडेंट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ऑफिसर। ठीक है, ऑप्शन सी। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज फॉलोड बाय कोऑपरेटिव्स इन इंडिया, तो इंडिया में कोऑपरेटिव्स का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो किया जाता है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी, राइट आंसर फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवाइड करता है पावर ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन नेशन एंड एज वेल एज स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स में। ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है इंडिया की गवर्नमेंट का फेडरल स्ट्रक्चर है कि वो जितनी भी पावर्स हैं गवर्नमेंट की वो नेशनल लेवल पे भी है और स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स के पास भी है। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर? फेडरल स्ट्रक्चर इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय कोऑपरेटिव्स इन इंडिया। 18th क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ अ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर फिक्स्ड बाय, जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, हमारी जो मैंने आपको बताया था, आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी कि हमारी जो क्रेडिट सोसाइटीज थी ये किसने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, तो जो हमारी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है डिपॉजिट पे वो कौन फिक्स करता है? वो करता है हमारा रजिस्ट्रार। ठीक है, जो रजिस्ट्रार्स होते हैं वो ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज का इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे जो है फिक्स करते हैं। और जो हमारी पहली अर्बन क्रेडिट यूनियन थी वो किसने स्टार्ट की थी? वो शेल्स ने स्टार्ट की थी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, इसी ने जो है शेल्स बैंक्स भी लाए थे जो कि क्रेडिट लोन देते थे। और जो हमारी पहली रूरल क्रेडिट यूनियन थी वो किसने सेटअप की थी? वो रेफिसन ने सेटअप की थी। ठीक है, 19th क्वेश्चन, द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड इन इट्स, तो ये आपको पता होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ये किस में फॉर्म किए गए थे? ये किए गए थे कोऑपरेटिव एक्ट में। ठीक है, ऑप्शन ए, जो कोऑपरेटिव एक्ट बनाया गया था उसके अंदर ही जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूल्स रेगुलेशंस थे वो सेटअप किए गए थे। ठीक है,
और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो ये कोऑपरेटिव एक्ट है, ठीक है, ये इनैक्ट किया गया था कब, 1904 में, और इसको जो है पास किया गया था एक्ट को, जो लीगल आइडेंटिटी थी एक्ट की आई थी वो कब आई थी, 1912 में। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट वॉज इनैक्टेड इन द ईयर, तो वो है 1904, ठीक है, और जो पास किया गया था वो किया गया था 1912 में, ठीक है। उसके बाद 20th क्वेश्चन है, कॉपरेशन इज इंक्लूडेड इन द डैश स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉपरेशन है वो कब इनैक्ट किया गया था रूल, ठीक है, तो ये स्केड्यूल कौन से में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से स्केड्यूल में कॉपरेशन डाला गया था, ये है हमारा पार्ट स्केड्यूल 7, ठीक है, 7th स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स कॉपरेशन इन इट, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ हमारी जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आप ज़रूर देखिए जाके, हमारी प्लेलिस्ट में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की है उसमें सब वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो थैंक यू सो मच।